बाग में वन कर्मियों द्वारा मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ भोपाल के आह्वान पर वन मंडल बाग पदस्थ कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रीय विधायक के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ भोपाल के आह्वान पर स्थानीय डाक बंगले पर पूर्व वन मंत्री क्षेत्रीय विधायक उमंग सिंगार के नाम ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोहित झंवर को वन कर्मियों द्वारा लिखित ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन का वाचन करते हुए वन कर्मी मुकेश वानी ने बताया कि वनांचलों में पदस्थ कार्यपालक वन कर्मचारी जो कि समाज के अंतिम बिंदु पर रहकर 24 घंटे वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में तपरी दोपहर कड़कड़ाती ठंड एवं घनघोर वर्षा में समाज एवं परिवार से दूर रहकर दबंगता के साथ वनों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। बाग से विशाल बाबा नामदेव की रिपोर्ट, CID न्यूज मध्य प्रदेश। हमारी 21 सूत्रीय मांगे हैं, उसमें से हमारी पहली मांग तो ये है कि 2005 के बाद जो पेंशन योजना सरकार द्वारा बंद कर दी गई है उसको अन्य राज्यों में जिस तरह से फिर से लागू कर दिया गया है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार भी हम लोगों को 2005 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनकी पुरानी पेंशन लागू करें। और दूसरी ये है कि जैसे कि पुलिस विभाग में उन व्यक्तियों को पुलिस कर्मियों को 13 माह का वेतन दिया जाता है, उसी तरह हम भी 24 घंटे वन की सेवा में लगे रहते हैं लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा हमें 13 माह का वेतन नहीं दिया जा रहा है। वन कर्मचारी संघ की शाखा बाग की ओर से आज समस्त फॉरेस्ट अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा एक ज्ञापन माननीय विधायक मोरे के नाम दिया गया है। इसमें विभिन्न मांगे वन अमले ने जो मांगी है उस संबंध में ये ज्ञापन है। मैं माननीय विधायक मोरे के कार्यालय तक ये ज्ञापन जवाबदारी के साथ पहुँचा हुआ और साथ ही माननीय विधायक मोदी की ओर से समस्त वन अधिकारियों को आश्वस्त करता हूं कि आपके सभी जायज मांगों को लेकर माननीय विधायक महोदय बाग से लेकर भोपाल तक अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपका ज्ञापन प्रेषित करेंगे।